तो आज का जो वीडियो बन रहा है वो वीडियो बन रहा है रेडियल नर्व इंजरी। तो रेडियल नर्व इंजरी जब होती है तो पहले ये देखते हैं कि किस किस लेवल पर होती है, ठीक है। या फिर देखो, आपको पहली जो इंजरी हो सकती है, सबसे बड़ी जो इंजरी हो सकती है, वो हो सकती है गर्दन के लेवल पे। अगर गर्दन के लेवल पे इंजरी हो रही है तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, चोट का जो असर आएगा, वो आपके कोहनी पर आएगा। कोहनी आपकी सीधी नहीं होगी, कलाई आपकी ऊपर नहीं होगी, फिंगर ऊपर नहीं होगी और अंगूठा ऊपर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर इस जो जगह पर चोट नहीं आई है आपके, ठीक है, और आपकी चोट अगर इस जगह पर आई है, ठीक है, पीछे की तरफ, तो भी आपकी जो है, आपको जो है कोहनी पर, कलाई पर और उंगलियां और अंगूठा उठाने में दिक्कत आ सकती है। तीसरी जगह आपकी होती है ये वाली सामने की तरफ, ठीक है। ये जो जो जगह है, इस जगह पर भी अगर चोट आती है, ठीक है, तब भी आपकी जो है कलाई, फिंगर और अंगूठा ऊपर उठने में दिक्कत हो सकती है। चौथी जगह हो सकती है आपकी ही वाली बिल्कुल सामने की तरफ, ठीक है, इस वाली जगह पर। तो इस पर भी आपका क्या है कि उंगलियों का ऊपर उठाना और अंगूठे का ऊपर उठना बंद हो सकता है। अब रेडियल नर्व जब इंजरी हो रही है तो ये तीन तरीके से हो सकती है। या तो ये पूरी तरीके से कट सकती है, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे दोनों पॉइंट, या फिर किसी वजह से आपके एक्सीडेंट की वजह से या किसी की वजह से, वो डिजीज की वजह से ये दब सकती है, ठीक है। या फिर तीसरी वजह हो सकती है कि कुछ फाइबर्स इसके टूट चुके हों। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपके जो इस जो हुआ है उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा ही। मैं बात करूँगा रिकवरी की। जब अगर पूरी जो रेडियल नर्व है वो अगर कट चुकी है, अलग दोनों कोने अलग हो चुके हैं, टूट चुकी है, तो उसमें आपके जिस लेवल पर टूटी है, वो चाहे यहाँ यहाँ आपको तीन चार लेवल बताए मैंने, तो उसी लेवल पर क्या होता है, उन सभी लेवल्स के जो नीचे के जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो काम करने के लिए हमेशा के लिए बंद कर देंगे और आपको मुश्किल से 10 से 15 दिन उसका वेट करना होता है। अगर नेचुरल रिकवरी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी जो नस जो है अगर दबी हुई हो, ठीक है, तो उसमें असर ये आता है कि आपकी कलाई पूरी तरीके से नहीं उठेगी, जिस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हो उससे डायरेक्शन मिल जाएगी, उंगलियाँ पूरी नहीं खुलेगी, अंगूठा पूरा ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको जितना नेचर ने आपको रिकवर कर दिया है 15 दिन में, 1 महीने में या 1.5 महीने में, या हद मार के आपने 3 महीने वेट कर लिया कि सर पहले तो रहती है, अब 3 महीने में कुछ मेरी रिकवरी आ चुकी है पर इतनी अच्छी रिकवरी नहीं आई है, ठीक है, तब भी आपको जो है थर्ड लेवल पर आपको ऑपरेशन, सेकेंड लेवल पर भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है, ठीक है। तीसरी बात कि कुछ फाइबर्स टूट गए, कुछ फाइबर्स आपके अभी भी हैं, तो जिस तरफ के फाइबर्स टूटे हैं वो फाइबर्स जो जॉइंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, वो आपके लिफ्ट नहीं होने से, मान लो कि इन दोनों फिंगर्स के जो है फाइबर्स टूट गए रेडियल नर्व के, तो ये उठना बंद कर देंगे, ये उठेंगे नहीं, और ये दोनों फिंगर्स ये उठना स्टार्ट रहेगी। ऐसे पार्शियल रिकवरी के साथ में देखने को मिल सकता है। तो इस केस में भी आपको क्या है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो जो फिजियोथेरेपी का जो रोल रहता है इन तीनों ही केसेस के अंदर, लास्ट वन जब चोट लगी है जब से लेकर आपके 3 मंथ तक का या 2.5 मंथ तक का रिकवरी का पीरियड होता है, उस तक ही फिजियोथेरेपी का रोल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर रिकवरी नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, तो आपको उसमें टाइम पास नहीं करना होता है। आप ऑपरेशन करवा के जब पोस्ट ऑपरेटिव वो करेंगे एक्सरसाइज, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगी। धन्यवाद।